हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। आज आप लोगों के लिए नंबर मिसिंग सीरीज़ का एक सेकंड भाग लेके आया हूँ। पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आज उसी का एक सेकंड भाग है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नए क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या नंबर होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि इन नंबरों के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक नंबर है 44, 56 एंड 68। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, नंबर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 56 से 44 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 12 मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 68 में से 56 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगेन वैल्यू क्या मिलेगी, 12 मिलेगी, ठीक है। इट मींस जो अगला नंबर होगा, उस नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 68 को, तो कहीं ना कहीं वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 68 प्लस 12, अगर आप इसको करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 80। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। कई केसों में ये भी देखा गया कि इसमें स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी तरह का कुछ बनाया हुआ है, तो 5 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट देखिए इसमें लॉजिक निकालिए, क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन के पीछे। नंबर है 12, 21, 33, ये आपके पास तीन नंबर हैं और आपसे क्वेश्चन मार्क में पूछा गया कि क्या नंबर होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12 प्लस 21 अगर मैं ऐड करूंगा, तो वैल्यू कहीं ना कहीं क्या आ रही है, 33 आ रही है। इसका मतलब 21 अगर मुझे लाना है, तो 12 में क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 21 माइनस 12 अगर मैं करता हूं, तो यहां पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, जो पहला ऑप्शन है वो 10 है, जो कि आपका आंसर नहीं है, 11 भी नहीं है, और करेक्ट आंसर आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका 3, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक लगाए जा सकते हैं, बस आपको कम से कम समय में इसको आइडेंटिफाई करना है, तभी ये सवाल आपसे लगते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन मैंने उसी कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है। चलिए इस बार 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। 5 है, 7 है, 11 है, देन क्वेश्चन मार्क। 5 में अगर हम 2 ऐड कर दें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 7 में 4 ऐड करते हैं, तो वैल्यू 11 हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर पहले की वैल्यू में जाएं, इट मींस 2 से पहले क्या कुछ 0 तो ऐड होगा नहीं, इसका मतलब है कि 11 में हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले हमने 2 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया, नाउ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। सो 11 में 6 ऐड करने पे जो वैल्यू आ रहेगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 17। तो 17 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार जो लॉजिक आप सोचते हैं, उसके हिसाब से कई बार ऑप्शन गिवन नहीं होता है। सो आपको जो भी जिसने क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में पूछा गया, आपको उसके हिसाब से सोचना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 17, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ में नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 2, 4, 1, उसके बाद नंबर लिखा हुआ 40, ठीक है। देन उसके बाद है आपका 9, 3, 1, 2, 27। अब अगर मैं यहाँ पर इन नंबर्स की बात करूँ, ऐड करूँ, सो 2 प्लस 4 प्लस 1 जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 7, और यहाँ पे लिखा हुआ 40। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पर अगर आप 7 का स्क्वायर भी करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 49, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 40 नंबर लिखा हुआ है। अब वो 40 कैसे आ सकता है, इस 49 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। अगर मेरा ये लॉजिक सही है, तो ये कॉन्सेप्ट अगले वाली सीरीज़ में भी अप्लाई होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड में, सो यहाँ पर 3, देन प्लस 1, उसके बाद प्लस 2, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 36। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू 27 है।
अगर हम यहाँ से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। इट मींस जो लॉजिक हमने फर्स्ट वाले में सोचा वो सेम लॉजिक हमारा सेकंड वाले में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक वेरीफाइड है और इसी बिहाव पर हमें अगले का भी आंसर निकालना है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है और 4 के बाद अगेन क्या हो जाएगा, 2। तो टोटल वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से अगर आप 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 55। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो कई बार यहाँ पर यह भी देखा गया कि इंडिविजुअल जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स को निकाल के ऐड किया जाता है, कई बार उनको सम करने के बाद उनके स्क्वायर्स निकाले जाते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया कि जो भी नंबर ऐड करने के बाद आता है उसके रिवर्स यानी उसके उल्टे को भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 लॉजिक आपको ध्यान में रखना, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ढेर सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 2, 6, 3 है ना, उसके बाद आपका है 168। अब ये सारे के सारे नंबर आए कहाँ से, तो पहला काम, सबसे पहला काम ये है कि कोई भी लॉजिक हो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिशन करना है। इन सारे नंबर्स को आप क्या करेंगे, 1 by 1 ऐड करिए, ऐड करने पे वैल्यू क्या आएगी, 2 + 6 + 3 + 2। टोटल वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 = 1, उसके बाद यहाँ पर 13, और जो मिडिल में नंबर लिखा हुआ है वो है 168। मीन्स 13 का आप स्क्वायर करेंगे 169। अब यहाँ पर 169 नहीं है, बट अगर हम इसमें से -1 कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 168, राइट। अगर ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है तो ये लॉजिक अगले में भी अप्लाई होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम नंबर्स को ऐड कर लें, यहाँ पर नंबर आएगा 2, 2, 4, 6, 6, और देन उसके बाद 2 + 4 + 5 + 3। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 5 = 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196, और जो मिडिल में नंबर लिखा हो 195, मीन्स यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 195। इट मीन्स जो लॉजिक हमने अभी सोचा है वो लॉजिक सेकेंड में भी अप्लाई हो रहा है। सो जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे 1 by 1, 5 + 5 = 10 + 3 = 13 + 2 = 15, और जो 15 का स्क्वायर होगा वो 225 होगा, और 225 में से जो वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर -1 करेंगे। सो -1 करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 224 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, पहला आंसर आपका गलत होगा क्योंकि एग्जैक्टली 125 लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से -1 करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्राइंगल में कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर है 3, 5, then 3, और जो मिडिल में नंबर लिखा वो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। सो यहाँ पर हम नंबर ऐड करेंगे 5 + 3 + 4, सो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12, और 12 यहाँ पे लिखा नहीं, बट अगर हम इस 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 + 2 = how much 3, सो यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर ये लॉजिक सही है तो ये लॉजिक नेक्स्ट डायग्राम में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 7 + 5 + 6, आप इन सब को ऐड करेंगे तो 5 और 6 = 11 + 7 = 18 हो जाएगा, और 18 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 + 8 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लॉजिक है वो बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है और इसी को हमें आगे इम्प्लीमेंट करना है। सो आगे जो नंबर है वो क्या है, वो है 6 + 4 + 5, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 15, और 1 + 5 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कई बार जो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर के दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद नीचे वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कई बार इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स को ऐड करके हम लोग एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने कुछ अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 8, 4, 28, ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू क्या है, वो है 28 या मतलब अलग अलग है।
सो यहाँ पर जो छोटे वाले नंबर हैं अगर आप इनको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉजिक जो है वो रो में भी अप्लाई हो सकता है, वो कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है। कई बार ये भी देखा गया कि डायगोनली भी लॉजिक अप्लाई होता है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको रो में एक लॉजिक को देख लेते हैं। 8 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 12 आएगी, ठीक है, जो कि 28 से बहुत दूर है। तो हम एक काम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 × 4, और जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 32। बट 32 जो है वो 28 से बहुत ज़्यादा है। अगर हमें यहाँ पर 28 लाना है तो इस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू में -4 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 28 आएगी। और अगर ये लॉजिक जो मैंने सोचा है ये लॉजिक सही है, तो ये लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये -4 मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो भी मिडिल में नंबर है सेकेंड वाला कम वाला नंबर, उसको मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब 6 × 5, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 30। अब यहाँ पे जो छोटा नंबर वो क्या है, वो 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 25। इसका मतलब ये है, बिल्कुल सही लॉजिक है। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट सीरीज़ में नंबर दिया हुआ है वो है 12 × 2, तो वैल्यू आ गई 24। और यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, वो है 2, तो 24 − 2 कितना हो जाएगा, 22। अब ये जो 22 ऑप्शन है वो कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, राइट। सो जब भी आप इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इनको सॉल्व करने के लिए या तो आप इनको वर्टिकली सॉल्व करिए या तो इनको हॉरिजॉन्टली, मींस या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर, क्योंकि लॉजिक इसी तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अगला सवाल भी मैंने इसी से रिलेटेड आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक रो जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, यहाँ पर 4 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और आपको बताना ये है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी, राइट। सो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नंबर लिखा हुआ है एक तरह का एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81, 64 और 169, मीन्स ये जो ऊपर के नंबर हैं इन्हीं नंबर्स में कोई ना कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 + 4 + 3 ऐड करते हैं, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा था। अब सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो 4 + 2 + 2, तो टोटल वैल्यू 8 होगी, और 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 69 हमें मालूम है किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 169। अब यहाँ पर दो ही वैल्यू हमारे पास हैं, 5 + 3। अब हमें ये सोचना है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये जो वैल्यू है वो 13 के इक्वल हो जाए, तो 5 + 3 = 8 होगा, और 8 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 में आपको ऐड करना पड़ेगा 5, सो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। सो यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 3 में, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये जो आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको सॉल्व करें तो जो लंबी कॉलम हो या रो हो आप उसको प्रेफरेंस सबसे पहले आप देंगे, ठीक है। अब हम लोग आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, जिसमें मैंने यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल रखा, लेकिन यहाँ पर 4 रो और 4 कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया है, राइट, 4 रो और 4 कॉलम है। नंबर है 4, 7, देन क्वेश्चन मार्क 20 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम रो में लेके चलते हैं, सो 4 + 9, ठीक है, +6। अगर हम सिर्फ छोटी वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, और बीच में वैल्यू क्या है, 17 है। अब 17 वैल्यू कैसे आ सकती है, या तो हम इसमें से 2 घटा दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। यानी कहीं ना कहीं जो भी बड़ी वैल्यू है वो हमने क्या किया है, सबको छोटी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद उसमें से बड़ी वैल्यू को हमने क्या किया है, घटा दिया है, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 − 17 = 2। कहीं ना कहीं 2 जो है कॉमन डिफरेंस में आएगा, अगर सही है लॉजिक तो आएगा। नीचे आप देखेंगे, नीचे है वैल्यू 5 + 8 + 9, ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 14 + 8 जो है वो आपका हो जाएगा 22, और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो है 20, तो इसमें से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 2 का डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 का डिफरेंस है वो बिल्कुल मेंटेन हो रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे 9 + 9 + 7, सो 9 + 9 कितना होगा, 18 और + 7 = 25, और 25 में से 23 जो बड़ी वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का आएगा।
तो सिमिलरली आपको नीचे भी यही काम करना है कि छोटी वैल्यूज़ हैं वो ऐड करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे पास 19 से बड़ी वैल्यू है, तो ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 19 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें 19 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। 9 + 4, ठीक है, ये हमने कर दिया, 9 + 4 कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वैल्यू क्या रखें, कि डिफरेंस क्या है हमारे पास, 2 आए, तो 19 में अगर आप 2 ऐड करोगे, 19 + 2 कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमने लिखा है, इस सब का एडिशन कितना आना चाहिए, इस सब का एडिशन आना चाहिए 21, ठीक है, 21 आना चाहिए। 9 + 4 होगा 13, और 13 में आपको ऐड करना पड़ेगा 8, 13 + 8 जो होगा वो 21, और यहाँ पर जो 8 ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा 3 में है, राइट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो 5, 6, 8 और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, 492 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा ये डिफरेंस में वैल्यू आई कैसे। यहाँ पर अगर आप इसको एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, पूरा एक नंबर मान लेते हैं कि भाई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सो एक वैल्यू लेते हैं 749 और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6, 8, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगा। उसके बाद आप 14 में से 6 को ले जाएंगे 8 और यहाँ पर 6, 1, 160, 181 आएगा, जो कि नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉजिक कुछ डिफरेंट है। अब वो लॉजिक डिफरेंट है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं नंबरों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 × 6 × 8 कितना हो जाएगा भाई, 5 × 6 कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, और 30 को आप मल्टीप्लाई करें 240, ये ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो 240 आ जाएगी। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 × 9, ठीक है, तो यहाँ पर 28, इसको आप 7 × 28 आएगा, और 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो वैल्यू कितनी आएगी, 252 आ जाएगी, 252, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 290 लिखा हुआ है, यहाँ पे 252 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, 240 + 252, इनको आप ऐड करेंगे तो 492 आपके सामने वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप उसको क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करेंगे लॉजिक में देखते हैं तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12 × 5, तो वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। और अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 × 14 × 5 कितना हो जाएगा, 70। 60 + 70 = 130, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो आपको करना ये है कि इस तरह के ढेर सारे सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम NTPC RRB ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, इसके अलावा अभी CHSL की वैकेंसी आई, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में एक दो सवाल एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसी तरह के मैं बहुत ढेर सारे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल।